वनपुरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से बन रहे कॉम्प्लेक्स पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं के निर्देश पर निर्माणाधीन भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी की घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, बीते दिन वनपुरपुरा थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान जमकर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के तहरीर वन पर वन भुलनपुरा पुलिस ने 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने बवाल करने और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला प्रशासन के अलावा मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी मौजूद थे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पाया गया और क्या देखे थे? देखिए, कल मुझे सूचना प्राप्त हुई कि लाइन नंबर 8 में और 16 में कुछ इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जो व्यावसायिक नेचर के हैं, जिन पे शटर भी लगा हुआ है, जिन्होंने बेसमेंट को खोद के अवैध खनन की सामग्री को भी बेच डाला है। इसमें वहाँ पे जिनका अवैध निर्माण है उनके द्वारा निवेदन किया गया कि हम इनको ढहा देंगे स्वयं। नॉर्मली प्राधिकरण का ये रहता है और ये SOP भी है कि यदि कोई कहता है कि स्वयं इसको ढहा देंगे तो उसको हम मौका एक बार देते हैं। और इसमें पुलिस को भी कहा गया है, जिन्होंने भी वहाँ पे कोई अगर इलीगल एक्टिविटी कल की हो या पाया गया उसमें, उनके विरुद्ध भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कमिश्नर साहब, और मुझे जो है ये जानकारी मिली थी कि बनफुलपुरा में जो है कुछ अवैध निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं और उसके आड़ में कुछ जो है अवैध खनन भी कराया जा रहा है। जो है तुम्हारे बेसमेंट है वहाँ पर जो बोल्डर्स वगैरह है वो भी वहाँ से खनन करके बेचे जा रहे हैं, तो उसके आधार पर जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल वहाँ पे रेड करी गई। तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उस कार्रवाई की आड़ में जो है कई लोगों ने वहाँ थोड़ा अराजकता का माहौल किया, तो उस पर जो है पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में।